मोलर कॉन्सेंट्रेशन और दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द एक्टिव मास। तो हम बात करेंगे अबाउट मोलर कॉन्सेंट्रेशन और एक्टिव मास। तो क्लास क्या होता है, मोलर कॉन्सेंट्रेशन या फिर एक्टिव मास? तो क्लास समझो, हमारे पास एक बीकर है। इस बीकर में हम लोगों ने लिया है 0.3 मोल यूरिया। हमने ऐड किया 0.3 मोल यूरिया इन बीकर एंड टू दैट बीकर वी ऐड वाटर। तो यूरिया बीकर वाटर में कंप्लीटली सोल्यूबल है। सो हम लोग जब बीकर में यूरिया लेकर उसमें वाटर डालेंगे और प्लस हम लोग वाटर ऐड करते जाएंगे और तब रुकेंगे जब सॉल्यूशन बनेगा 1 लीटर। हमने 1 लीटर पानी ऐड नहीं किया, हम लोगों ने यूरिया में वाटर ऐड किया, हमने यूरिया में वाटर ऐड किया, थोड़ा स्टर किया, थोड़ा और वाटर ऐड किया, स्टर किया और वाटर ऐड किया, स्टर किया। तो हम लोग जब पूरा सोल्यूशन 1 लीटर बन गया तो हम रुक गए। तो हमने 1 लीटर पानी ऐड नहीं किया, हमने 1 लीटर सोल्यूशन बनाया, बराबर है? तो प्लस 0.3 मोल्स ऑफ यूरिया आर प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। तो हम बोलेंगे इस सोल्यूशन का मोलर कॉन्सेंट्रेशन या फिर एक्टिव मास है 0.3 मोल पर लीटर। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है एक्टिव मास का या फिर मोलर कॉन्सेंट्रेशन का? तो मोलर कॉन्सेंट्रेशन मोलर कॉन्सेंट्रेशन या फिर एक्टिव मास का फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर। हमें मालूम है लीटर को हम लोग डीएम क्यूब भी बोलते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो क्लास हमने यहाँ पे जो यूरिया लिया है तो हमने उसके 0.3 मोल्स लिया है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इस केस में है 0.3 एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज 1 लीटर। 0.3 मोल ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो इस सॉल्यूट हो गया 0.3 अपॉन 1 होगा 0.3 मोल पर लीटर और यू कैन से 0.3 मोल पर डीएम क्यूब। ओके, तो मोलर कॉन्सेंट्रेशन या फिर एक्टिव मास होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो क्लास यूनिट क्या होता है इसका, मोल पर लीटर, पर अदर नेम फॉर लीटर इज डीएम क्यूब। तो यू कैन ऑल्सो राइट पर डीएम क्यूब। तो हमें दिखा व्हाट इज मीनिंग ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्टिव मास। तो आगे समझे, किस हमने यूरिया का एक्टिव मास एक्सप्रेस किया, ठीक है, कितना है हम लोग को 0.3 मोल पर डीएम क्यूब। तो प्लस हम लोग एक्टिव मास को भी शो इन अ स्क्वायर ब्रैकेट। मतलब क्या, इफ आई मेक अ स्क्वायर ब्रैकेट एंड राइट इनसाइड इट यूरिया, सो दैट स्क्वायर ब्रैकेट इंडिकेट्स, तो स्क्वायर ब्रैकेट इंडिकेट्स दैट यू आर एक्सप्रेसिंग द मोलर कॉन्सेंट्रेशन या फिर एक्टिव मास ऑफ यूरिया। तो किसी भी चीज का अगर एक्टिव मास या फिर मोलर कॉन्सेंट्रेशन आप एक्सप्रेस कर रहे हो तो हम उसको बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट। तो क्लास स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ यूरिया मतलब एक्टिव मास ऑफ यूरिया कितना फाइंड किया हम लोगों ने इस केस में 0.3 मोल पर लीटर। तो इस केस में वो एक्टिव मास है 0.3 मोल पर लीटर। तो क्लास समझो, अगर हम लोग एक बीकर में 3 मोल ग्लूकोज लेते हैं, 3 मोल ग्लूकोज लेते हैं और उसमें हम लोग वाटर ऐड करके पानी ऐड कर रहे हैं और जब 2 लीटर सॉल्यूशन बन गया तो हम लोग रुक गए। तो 2 लीटर हमने सॉल्यूशन बना दिया पानी ऐड करके। तो प्लस इस ग्लूकोज का एक्टिव मास कितना है, तो मैं लिखूंगा ब्रैकेट में ग्लूकोज, फॉर्मूला ग्लूकोज का होता है C6H12O6। तो एक्टिव मास ऑफ ग्लूकोज ब्रैकेट के अंदर ग्लूकोज लिखा है हम लोगों ने C6H12O6। एक्टिव मास ऑफ ग्लूकोज विल बी क्या फॉर्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना है 3 मोल, राइट, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर कितना है 2 लीटर। तो 3 मोल अपॉन 2 लीटर दैट विल बी
3 मोल पर लीटर दैट विल बी द एक्टिव मास और कैन से मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिया सॉरी ग्लूकोज इस केस में एक्टिव मास इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन तो इफ यू डिवाइड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर यू गेट एक्टिव मास ऑफ दैट सॉल्यूशन 3 मोल्स पर लीटर इज एक्टिव मास ऑफ द सॉल्यूशन एक्टिव मास इज ऑलवेज शोन इन द स्क्वायर ब्रैकेट द स्क्वायर ब्रैकेट इज यूज्ड टू इंडिकेट द एक्टिव मास ओके प्लस नेक्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस इज व्हाट इज मीनिंग ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग बात करेंगे व्हाट इज मीनिंग ऑफ रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन आई कैन से रेट ऑफ रिएक्शन बोलो या फिर रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन बोलो इज वन एंड द सेम थिंग तो बात करते हैं तो क्लास व्हाट इज केमिकल रिएक्शन केमिकल रिएक्शन में क्या होता है हमारे पास होता है रिएक्टेंट एंड रिएक्टेंट कन्वर्ट्स इनटू प्रोडक्ट तो व्हेन वन सब्सटेंस ट्रांसफॉर्म्स इनटू अदर सब्सटेंस ओके वी कॉल दैट एज अ केमिकल रिएक्शन तो रिएक्टेंट कन्वर्ट्स इनटू प्रोडक्ट तो रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट बनता है हम बोलते हैं इसको केमिकल रिएक्शन तो क्लास समझा हमें एक रिएक्शन लिया जिसमें हमने एक बीकर में लिया है रिएक्टेंट समझे बीकर में अपने रिएक्टेंट लिया है आर और उसका एक्टिव मास है हमने अभी देखा था एक्टिव मास क्या होता है उसका एक्टिव मास है समझो 10 मोल पर लीटर हमने तो रिएक्टेंट लिया है उसका एक्टिव मास है 10 मोल पर लीटर तो क्लास एट टाइम टी इक्वल जीरो रिएक्शन स्टार्ट हुआ ही नहीं अभी तक तो हमारे पास प्रोडक्ट होगा ही नहीं प्रोडक्ट किसका बनता है रिएक्टेंट का प्रोडक्ट जादू से तो नहीं बनता तो जब रिएक्टेंट कंज्यूम होगा तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में ट्रांसफर होता है तो जैसे जैसे रिएक्टेंट कंज्यूम होता जाएगा प्रोडक्ट फॉर्म होता जाएगा तो हम लोग बोले स्टार्टिंग में टाइम टी इक्वल जीरो रिएक्शन स्टार्ट हुआ ही नहीं तो अगर रिएक्शन स्टार्ट हुआ नहीं तो हमारे पास सिर्फ रिएक्टेंट है पूरा का पूरा हमारे पास प्रोडक्ट नहीं है तो एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट विल बी जीरो बराबर है तो क्लास समझो रिएक्शन शुरू हो गया एक मिनट हो गया तो क्लास रिएक्शन शुरू हो गया अगर एक मिनट हो गया अगर रिएक्शन स्टार्ट हो गया और 5 सेकंड 10 सेकंड 15 सेकंड 20 सेकंड ऐसे करके करके एक मिनट हो गया कंप्लीट रिएक्शन शुरू हो गया तो आपको मालूम है रिएक्टेंट्स आर कंज्यूम तो अगर रिएक्टेंट कंज्यूम हो रहा है तो उसका एक्टिव मास कम होना चाहिए क्योंकि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में परफॉर्म होता है रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो रिएक्टेंट का एक्टिव मास कम हो जाएगा समझो अभी एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट एक मिनट के बाद समझो हमारे पास कितना है 8 मोल पर लीटर तो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन 10 से 8 हो गया मतलब रिएक्टेंट कंज्यूम हो गया और 10 मोल्स पर लीटर था अभी हमारे पास 8 मोल्स पर लीटर है यहाँ पे आप इजीली गेस कर सकते हो प्रोडक्ट कितना होगा यहाँ पे कुछ भी नहीं था अभी 10 का 8 हो गया तो यहाँ पे होना चाहिए 2 मोल्स पर लीटर बराबर है क्योंकि जितना रिएक्टेंट कंज्यूम होगा उतना ही प्रोडक्ट बनेगा तो 10 मोल पर लीटर रिएक्टेंट हमारे पास था अगर एक मिनट के बाद हमारे पास 8 मोल्स पर लीटर रिएक्टेंट है उसका एक्टिव मास अगर 10 से 8 हो गया तो 2 से कम हुआ है तो प्रोडक्ट का 2 से बढ़ेगा बिकॉज जो रिएक्टेंट कंज्यूम होता है उसका ही प्रोडक्ट बनता है तो क्लास यहाँ पे किसका कॉन्सेंट्रेशन चेंज हुआ रिएक्टेंट का या प्रोडक्ट का तो आपका आंसर है दोनों का रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन 10 से 8 हो गया तो कॉन्सेंट्रेशन 2 से कम हो गया और प्रोडक्ट का 0 से 2 हो गया वो 2 से बढ़ गया वापस बोलता हूँ मैं व्हाट वाज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इनिशियली 10 मोल पर लीटर और एक मिनट के बाद कितना है 8 मोल पर लीटर मतलब कॉन्सेंट्रेशन 10 का 8 हो गया तो वो कम हो गया राइट इट डिक्रीजेस राइट कितना डिक्रीज हुआ इट डिक्रीजेस बाय कितना 2 मोल पर लीटर मतलब प्रोडक्ट की बात करें तो पहले 0 था कॉन्सेंट्रेशन अभी 2 मोल्स पर लीटर है क्लास में कॉन्सेंट्रेशन बोल रहा हूँ अब एक्टिव मास बोलो मोलर कॉन्सेंट्रेशन बोलो या फिर सिंपली कॉन्सेंट्रेशन बोलो इट्स वन एंड द सेम थिंग तो प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन पहले 0 था अभी 2 हो गया मतलब कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया तो मैं बोलूंगा इंक्रीज बाय कितना 0 का 2 हो गया तो 2 मोल पर लीटर प्लस के लिए टाइम कितना लगा तो 10 का 8 होने के लिए 1 मिनट लगा और 0 का 2 होने के लिए भी 10 का 8 होने के लिए 1 मिनट लगा 0 से 2 1 और 0 का 2 होने के लिए भी 1 मिनट लगा तो क्लास ये हुआ है कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हुआ कितने टाइम समय में 1 मिनट में तो क्लास दैट चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम With respect to time is called as a rate of chemical reaction. So we can write rate of reaction kya hoga? Change in concentration kiska hota hai class change? Dono ka hota hai reactant ka bhi hota hai product ka bhi hota hai
और जितना रिएक्टेंट का चेंज होता है उतना प्रोडक्ट का भी चेंज होता है। यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन 2 से कम हुआ, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन 2 से बढ़ गया। तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अपॉन टाइम टेकन, टाइम टेकन किसके लिए, टाइम टेकन फॉर दैट चेंज। तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड द रेट ऑफ रिएक्शन। तो क्लास इस रिएक्शन का रेट कितना है, तो यहाँ पे देखते हैं फॉर्मूला में डाल के। तो रेट ऑफ रिएक्शन, तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन इज 2 मोल पर लीटर एंड टाइम टेकन फॉर चेंज इज 0 to 1, मतलब 1 मिनट। तो प्लस चेंज इन कॉन्सेंट, तो यहाँ पे रेट होना चाहिए, तो रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पे होना चाहिए 2 मोल पर लीटर, और ये मिनट ऊपर आएगा तो पर मिनट, तो 2 मोल पर लीटर पर मिनट, 2 मोल पर लीटर पर मिनट इज द रेट ऑफ दिस केमिकल रिएक्शन। मतलब वहां पर देखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, तो कोई भी केमिकल रिएक्शन में जब कोई भी रिएक्शन केमिकल होता है तो रिएक्टेंट कन्वर्ट्स इनटू प्रोडक्ट। तो इफ रिएक्टेंट कन्वर्ट्स इनटू प्रोडक्ट द एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट गोज ऑन डिक्रीजिंग, एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट गोज ऑन इंक्रीजिंग। तो व्हाट इज चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज कॉल्ड द रेट ऑफ रिएक्शन। तो क्लास अगर कॉन्सेंट्रेशन चेंज कम हुआ और उसके लिए समय ज्यादा लगा तो हम लोग बोलेंगे रिएक्शन स्लो है, पर कॉन्सेंट्रेशन चेंज ज्यादा हुआ और उसके लिए समय कम लगा तो हम लोग बोलेंगे रिएक्शन फास्ट है। तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। बस ठीक है, तो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कम होता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और जितना रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन चेंज होता है उतना ही प्रोडक्ट का टाइम कॉन्सेंट्रेशन चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो दैट चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। प्लस कॉन्सेंट्रेशन को हम लोग मोलर कॉन्सेंट्रेशन या फिर एक्टिव मास भी बोलते हैं। ओके, तो क्लास रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग दो टाइप से एक्सप्रेस कर सकते हैं, दो तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। तो देखते हैं हम लोग द वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग रेट ऑफ रिएक्शन। तो देखते हैं, तो रिएक्शन का रेट हम लोग दो तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो पहला तरीका देखते हैं एवरेज रेट, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। तो हम लोग देखते हैं व्हाट इज मीनिंग ऑफ एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। तो क्या समझो, हमारे पास एक रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट कन्वर्ट्स इनटू प्रोडक्ट, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। सपोज वी प्लॉट अ ग्राफ, ऑन एक्स एक्सिस सॉरी ऑन वाई एक्सिस विल एक एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट, आपको मालूम है एक्टिव मास वी शो स्क्वायर ब्रैकेट, हमने देखा है किसी भी चीज का अगर एक्टिव मास मोलर कौन सा है, एक्टिव मास वी शो इन द स्क्वायर ब्रैकेट। तो स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ ग्लूकोज मींस व्हाट, एक्टिव मास ऑफ ग्लूकोज या फिर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज। इफ आई से स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ यूरिया मतलब क्या, एक्टिव मास ऑफ यूरिया फिर मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिया। तो हमारे पास जो रिएक्टेंट है उसका एक्टिव मास है आर ब्रैकेट के अंदर, तो ब्रैकेट इंडिकेट्स आई एम टॉकिंग अबाउट द एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। और एक्स एक्सिस लेंगे हम लोग टाइम। तो क्लास सबको मालूम है रिएक्टेंट रिएक्शन में कंटिन्यूसली कंज्यूम होता रहता है, तो जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ता जाएगा टाइम बढ़ता जाएगा एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट गोज ऑन डिक्रीजिंग। तो क्लास आप देख सकते हो एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट गोज ऑन डिक्रीजिंग, क्लास बढ़ा रहा है, ग्राफ बढ़ा जा रहा है। जैसे जैसे समय बढ़ रहा है रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा है, कम हो रहा है, बराबर है। तो एज टाइम इंक्रीजेस एक्टिव मास डिक्रीज और कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीजेस। तो क्लास समझो हमने रिएक्शन स्टार्ट किया 10 AM को, हमने 10 बजे रिएक्शन स्टार्ट किया, अपना लेक्चर जो शुरू होता हमने रिएक्शन स्टार्ट किया। तो क्लास 10 AM को हम लिखता हमें 0 टाइम। तो क्लास 10:05 को 5 मिनट हो गए, 10:10 को 10 मिनट हो गए रिएक्शन शुरू के, 10, 15, 20, 25, 30 एंड सो ऑन। तो क्लास क्या हो रहा है, इस टाइम पे हमने हमारे पास सिर्फ रिएक्टेंट है 0 टाइम पे। तो जब रिएक्शन स्टार्ट हो गया तो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कम होना शुरू हो गया, तो 5 मिनट के बाद कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा, 10 मिनट के बाद थोड़ा और कम हो जाएगा। ओके, 15 मिनट के बाद और कम हो जाएगा, 20 मिनट के और कम हो जाएगा। तो प्लस एज टाइम इंक्रीजेस कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट डिक्रीजेस। तो क्लास समझो
रिएक्शन शुरू हुआ 10 बजे, तो 10:05 के बाद, मतलब रिएक्शन शुरू के 5 मिनट हो गया, तो प्लस में ये पॉइंट लेता है, बराबर है। तो एट दिस टाइम में बोलता हूँ, इस टाइम को मैं बोलता हूँ T1, मैं इस टाइम को T1 बोलता हूँ। तो एट दिस टाइम T1 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वॉल्स, ये कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे क्या था, C1 था। तो जब टाइम था ये T1, तो इस टाइम पे कॉन्सेंट्रेशन है C1, बराबर है। तो क्लास 10:05 मैंने रिएक्शन शुरू किया 10 बजे, और 10:05 को देखा तो कॉन्सेंट्रेशन 10 आफ्टर 5 मिनट्स, मतलब रिएक्शन शुरू के 5 मिनट के बाद मैंने देखा लैब में जाके, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कितना था, C1 था। प्लस मैं वापस 5 मिनट के बाद और वापस चला गया लैब में, मतलब 10:10 को वापस गया लैब में, और अभी टाइम कितना हो गया, T2 हो गया, राइट। तो ये टाइम T2 हो गया, पर क्लास कॉन्सेंट्रेशन सेम है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है, कॉन्सेंट्रेशन अभी चेंज हो गया, कम हो गया एक्चुअली। अब देख सकते हो C1 से C2 कम है। तो क्लास अपना फॉर्मूला बोलता है, रेट ऑफ रिएक्शन इज चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन, बराबर है। रेट ऑफ रिएक्शन इज चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, हमने यहाँ पे रिएक्टेंट लिया है, तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन, मतलब चेंज इन टाइम बोल सकते हैं, टाइम टेकन मतलब चेंज इन टाइम, मतलब चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन कितना था पहले C1, अभी कितना था C2, तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन इज फाइनल माइनस इनिशियल, तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन इज C2 माइनस C1, एंड चेंज इन टाइम इज पहले कितना टाइम था, शुरू किया तो 10:05, बाद में 10:10, तो चेंज इन टाइम इज दिस माइनस दिस, तो चेंज इन टाइम इज T2 माइनस T1। तो क्लास कॉन्सेंट्रेशन के लिए हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट डालते हैं, तो हमने डाला स्क्वायर ब्रैकेट कॉन्सेंट्रेशन के लिए, C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1। तो क्लास C2 माइनस C1 के अंदर रिटर्न है, अपने सीखा रहेगा फिजिक्स में, चेंज वी टेक एज डेल्टा, डेल्टा मतलब चेंज, तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, एंड T2 माइनस T1 विल बी डेल्टा T। तो क्लास यहाँ पे हम लोग एक काम करेंगे, देखो थोड़ा केयरफुली सुनो, ये थोड़ा पार्ट कॉम्प्लिकेटेड है ये, तो डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी, तो ओनली डेल्टा मतलब चेंज, तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन फॉर द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, तो डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। कितना इंटरवल है यहाँ पे अपना, 5 मिनट का, 10:05 से 10:10 के बीच में हमने 5 मिनट का इंटरवल में देखा, इस इंटरवल में देखा व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन, तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन इन दिस इंटरवल अपॉन टाइम टेकन टू चेंज दैट कॉन्सेंट्रेशन, तो डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन। प्लस आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे तो रेट क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। देखो अभी आपने 10:05 और 10:10 के बीच में रेट फाइंड किया आपने, ठीक है, तो आपको ये आंसर आया। अगर वही रेट अगर आप 10:15 और 10:20 के बीच में फाइंड करते हैं तो रेट इतना नहीं आता। जस्ट अ मिनट, आई विल टेक अ पेन एंड एक्सप्लेन। देखिए थोड़ा सा कोशिश करो मैं समझने की, जस्ट सेकंड, आई नीड अ रेड पेन। हां मिल गया। अगला समझो, मैंने ये 10:05 और 10:10 के मैंने इंटरवल सेलेक्ट किया था, 10:05 और 10:10 के बीच का, मतलब ये 5 मिनट का इंटरवल मैंने सेलेक्ट किया था रेट फाइंड करने के लिए। एक सेकंड, ओके सॉरी। तो क्लास समझो, कोई दूसरा सेकंड, कोई अनदर पर्सन अगर वो रेट फाइंड करना चाहता 10:15 और 10:20 के बीच में, 10:15 10:20 के बीच में, तो उसके लिए टाइम होता है T1, और इस टाइम पे कॉन्सेंट्रेशन होता है C1, और ये टाइम होता T2, और ये कॉन्सेंट्रेशन होता C2। तो क्लास देख सकते हो आप, 10:05 और 10:10 के बीच में कॉन्सेंट्रेशन का चेंज ज्यादा हुआ है, पर 10:15 और 10:20 के बीच में कॉन्सेंट्रेशन का चेंज कम हुआ है। बस इंटरवल उतना लिया हम लोगों ने, 5 मिनट का इंटरवल लिया, 10:05 और 10:10 के बीच में कितना टाइम, कितना गैप है 5 मिनट का, और 10:15 और 10:20 के बीच कितना गैप है, 5 मिनट का ही गैप है। पर आप देख सकते हो 10:05 और 10:10 के, 10:05 और 10:10 के बीच में कॉन्सेंट्रेशन चेंज ज्यादा हुआ है, पर 10:15 और 10:20 के बीच में कॉन्सेंट्रेशन चेंज कम हुआ है। तो आप देख सकते हो जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ता रहता है,
रेशन का रेट क्या होता है, कम होता जाता है। तो क्लस वो रेट कम हो रहा है वो इंडिकेट करने के लिए भी पुड़िया माइनस साइन। तो माइनस साइन इंडिकेट्स रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेस एज रिएक्शन प्रोग्रेसेस। जैसे जैसे रिएक्शन आगे प्रोग्रेस करता जाएगा रिएक्शन का रेट क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेस एज रिएक्शन प्रोग्रेसेस। तो क्लस ये हमने जो रेट फाइंड किया यहाँ पे वो कैसे फाइंड किया, हमने एक इंटरवल्स ले किया 10 5 और 10 10 के बीच में, या फिर 10 15 और 10 20 के बीच में। तो हमने एक इंटरवल्स ले किया 5 मिनट का इंटरवल, नॉट नेसेसरी 5 मिनट का, आप यू कैन टेक 10 मिनट का इंटरवल, 1 मिनट का, 2 मिनट का, आपको जो भी इंटरवल्स ले करना है करो। पर आपको क्या करना है, इस और इस समय के दरमियान, बिटवीन दिस टाइम एंड दिस टाइम रिएक्शन का रेट कितना था। तो व्हेन यू सिलेक्ट एनी इंटरवल ऑफ टाइम बिटवीन, जब रिएक्शन शुरू हुआ तो 10 5 और 10 10 के बीच में, मतलब 10 5 रिएक्शन शुरू हुआ 10 बजे, तो 10 5 एंड 10 10 के बीच में इस इंटरवल में रिएक्शन का रेट कितना था। या फिर किसी और ने स्टडी किया रिएक्शन को 10 15 एंड 10 20 के बीच में, तो इस इंटरवल के दरमियान, ये भी 5 मिनट का इंटरवल ही है, इस इंटरवल के दरमियान रिएक्शन का रेट कितना था। तो क्लास व्हेन यू मेजर द रेट ऑफ रिएक्शन, व्हेन यू मेजर द रेट ऑफ रिएक्शन ओवर अ इंटरवल ऑफ टाइम, ओवर अ इंटरवल ऑफ टाइम वी कॉल दैट रेट एज अ एवरेज रेट। हम उस रेट को क्या बोलते हैं, एवरेज रेट। ठीक है, तो क्लास एवरेज रेट क्या होता है, द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड एज द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट। हमने यहाँ पे रिएक्टेंट लिया है, हम लोग प्रोडक्ट भी ले सकते हैं। क्लास अगर प्रोडक्ट लेते हैं तो ग्राफ कैसे आता, तो स्टार्टिंग में प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन जीरो होता, और जैसे जैसे रिएक्शन का रेट जैसे जैसे टाइम बढ़ता प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन क्या होता, बढ़ता जाता। तो क्लास ये ग्राफ आ सकता था, ये जो रेट से आ रहा है वो किसके लिए, प्रोडक्ट के लिए होता, पर हमने रिएक्टेंट का ग्राफ ड्रॉ किया है। तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय द टाइम इंटरवल, डिवाइडेड बाय द टाइम इंटरवल ओवर विच चेंज ऑकर। ठीक है, डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल ओवर विच चेंज ऑकर। तो क्लास वी कॉल इट रेट एज द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, क्लास दूसरा रेट होता है रिएक्शन का इंस्टेंटेनियस रेट। तो देखते हैं इंस्टेंटेनियस रेट क्या होता है, इंस्टेंटेनियस रेट। तो क्लास हम लोग वापस वही रिएक्शन की बात करते हैं, रिएक्टेंट कन्वर्टेड प्रोडक्ट। तो यही रिएक्शन है, यही ग्राफ है, मैं इस ग्राफ को कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ बाजू में, इसी ग्राफ को कॉपी करके यहाँ पे बाजू में ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, नया ग्राफ नहीं, वही रिएक्शन, एवरीथिंग इज सेम। यहाँ पे y एक्सिस पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट, और x एक्सिस पे है टाइम, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऑन y एक्सिस, टाइम ऑन x एक्सिस। एंड क्लास आपको मालूम है जैसे जैसे टाइम बढ़ जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट गोज ऑन डिक्रीजिंग। तो क्लास रिएक्शन हमने स्टार्ट किया 10 o'clock को, तो जब 10 o'clock को रिएक्शन स्टार्ट किया हमारे पास पूरा का पूरा रिएक्टेंट था, तो मैं इसको टाइम को जीरो टाइम बोलता हूँ। फिर 10 5 5 मिनट हो गए, 10 10 10 मिनट हो गए, 10 15 15 मिनट हो गए रिएक्शन शुरू हो गए, 10 20 10 25 एंड सो ऑन। तो टाइम बढ़ रहा है, रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है। प्लस हमने यहाँ पे जब रेट फाइंड किया था, मैंने क्या बोला था, व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन 10 5 एंड 10 10, ये 5 मिनट के इंटरवल में रिएक्शन का रेट कितना है। ठीक है, या फिर किसी और ने पूछा था आपको व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन इन इंटरवल 10 15 टू 10 20, 10 15 20, तो इस इंटरवल में रिएक्शन का रेट कितना है। तो आपने एक इंटरवल सेलेक्ट किया था, आपने एक टाइम का पीरियड सेलेक्ट किया था, बिटवीन दिस टाइम टू दिस टाइम व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन। अगला सवाल, कोई क्वेश्चन पूछता है, अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछता है, आपने रिएक्शन शुरू किया 10 बजे, आपको पूछता है व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन एट 10 12 am, 10:12 जब हो चुके हैं घड़ी में, तो इस पर्टिकुलर मोमेंट में रिएक्शन का रेट कितना है। क्लास उन्होंने आपको नहीं पूछा 10 10 5 और 10 20 के बीच में, या फिर 10 10 और 10 20 के बीच में, उन्होंने पूछा एग्जैक्टली एट 10 12 am उस पर्टिकुलर मोमेंट पे रिएक्शन का रेट कितना है। क्लास अगर आप फाइंड करो तो रेट ऑफ रिएक्शन एट पर्टिकुलर मोमेंट, अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, वी कॉल रेट एज अ इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। क्या बोलते हैं हम उसको, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो क्लास टाइम कितना था, 10 12, मतलब 10 10 10 5 10 10 10 11 10 12, तो इस इंटरवल पे एट दिस मोमेंट एट दिस पर्टिकुलर टाइम यू आर एज द रेट ऑफ रिएक्शन। तो क्लास आई कॉल दैट टाइम एज अ T1, इस टाइम को T1 बोलूंगा। तो मुझे अगर इस टाइम पे रिएक्शन का रेट फाइंड करना है इस पर्टिकुलर मोमेंट पे, तो क्लास मैं क्या करूंगा, इस पॉइंट से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूंगा, तो आपको यहाँ पे
ये मिलेगा। अभी क्या करेंगे हम लोग, इस पॉइंट से ड्रॉ करेंगे एक टेंजेंट, अपने फिजिक्स में से करेगा हम यहाँ पे इस पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो ये एंगल थीटा है। अगला स्लोप ऑफ दिस टेंजेंट, इसका स्लोप का इसे फाइंड करेंगे। टेन थीटा क्या होगा, समझो ए बी सी है, तो टेन थीटा इज ए बी अपॉन बी सी, तो ए बी अपॉन बी सी विल बी टेन थीटा, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा, इस टेंजेंट का स्लोप, ये थीटा एंगल है, तो ए बी अपॉन बी सी, ओके, that slope of tangent give you instantaneous rate, so instantaneous rate will be slope of tangent at this time t1, the slope of tangent at time t1 will give the instantaneous rate of reaction at that particular moment. So class agar hum log ne average rate likhte delta, to average rate kaise likhte delta c upon delta t, to instantaneous rate likhte hum log, तो ये एवरेज रेट के लिए सिंबल था, एवरेज रेट इज माइनस माइनस साइन अपॉन में, क्यों है आपको मैंने बोला था, एज टाइम प्रोग्रेसेस रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेस, स्टार्टिंग में रिएक्शन का अगर आप स्टार्टिंग का इंटरवल सेलेक्ट करते हो 5 मिनट का, तो रेट ऑफ रिएक्शन आपको ज्यादा मिलेगा, ज्यादा चेंज कॉन्सेंट्रेशन इन 5 मिनट, पर अगर आप आगे का टाइम इंटरवल सेलेक्ट करते हो तो लेस चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन इन 5 मिनट। तो जैसे जैसे रिएक्शन प्रोग्रेस होता जाएगा क्या होता जाएगा, जैसे जैसे रिएक्शन प्रोग्रेस होता जाएगा रिएक्शन का रेट कम होता जाएगा, तो वो कम हो रहा है इसलिए माइनस साइन यहाँ पे डाला हम लोगों ने। तो ये कौन सा रेट था, एवरेज रेट। अगर आपको इंस्टेंटेनियस रेट की बात करनी है, तो इंस्टेंटेनियस रेट एवरेज हम बाजू में लिखते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट। तो क्लास यहाँ पे क्या होता है, लार्ज चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन फॉर लार्ज टाइम चेंज, राइट, डेल्टा मतलब चेंज, और डेल्टा कब यूज करते हैं हम लोग, जब बड़ा चेंज कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगा बड़े टाइम इंटरवल में, तो डेल्टा सी इज लार्ज चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन फॉर लार्ज टाइम इंटरवल। अगला हमने इंटरवल लिया ही नहीं है, अपना पर्टिकुलर मोमेंट है, तो हम लोग क्या करेंगे, इंस्टेंस रेट विल बी, अपने मैथ्स में सीखा रहेगा डेरिवेटिव, नहीं सीखा रहेगा तो हम लोग सीख लेंगे, तो डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी, तो डेल्टा बिकम नाउ डी, वेरी स्मॉल चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन फॉर वेरी स्मॉल चेंज इन टाइम, दिस रेट इज इंस्टेंटेनियस रेट। तो क्लास बहुत सिंपल है, average rate and instantaneous rate. So if you measure rate of chemical reaction over an interval of time, we call that rate as the average rate. अगर आप बोलोगे reaction 10 बजे शुरू किया था, तो 10, 5 और 10, 8 के बीच में reaction का rate कितना था, तो आपने 10, 5 और 10, 8 मतलब 3 मिनट का interval select किया था, तो उस interval के दरमियान reaction का rate कितना था, तो वो कहलाएगा reaction का average rate. How you find that? तो T change in concentration T2 minus T1 upon T2 minus T1. और जैसे रिएक्शन स्टार्ट होगा कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट गोज ऑन इंक्रीजिंग एंड दिस इज अ ग्राफ। तो जब रिएक्शन शुरू में हुआ था हमारे पास प्रोडक्ट जीरो था, और जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है आपको 10 बज के 18 मिनट पे रिएक्शन रेट कितना था, 10 बज के 18 मिनट पे, तो ये जीरो टाइम है, 5 मिनट हो गया, 10 मिनट हो गया, 15 मिनट हो गया, 16, 17, 18, तो एट दिस मोमेंट यू आर आस्क्ड द रेट ऑफ रिएक्शन, तो लेट मी कॉल इट टाइम एज अ टाइम T1, तो at this moment somebody asked me what is rate of reaction, instantaneous rate of reaction, तो मैं क्या करूँगा, इस point से एक tangent draw कर लूँगा, तो इस tangent का मैं slope find करूँगा, this angle is theta, तो class
slope of this tangent at this point will give me instantaneous rate. So instantaneous rate will be slope of the tangent at that particular instant. तो हमने बात किया व्हाट इज एवरेज रेट एंड व्हाट इज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. तो क्लास ये पार्ट इतना ही पार्ट है जो आपको थोड़ा बहुत ध्यान देके सुनना पड़ेगा चैप्टर का. आगे का चैप्टर बहुत सिंपल है पर ये पार्ट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो प्लीज बी केयरफुल. तो हम लोग बात करते हैं इस पार्ट के बारे में. तो क्या समझो, मेरे पास एक रिएक्शन है, नाइट्रोजन गैस रिएक्ट विथ हाइड्रोजन गैस एंड गिव्स मी अमोनिया गैस. नाइट्रोजन रिएक्ट विथ हाइड्रोजन एंड गिव्स मी अमोनिया. ओके, तो बस लेट मी टेक अ जनरल एग्जांपल. मैं जनरल रिएक्शन लेता हूं या फिर ठीक है या इसी को हम लोग कंटिन्यू करते हैं. नाइट्रोजन रिएक्ट विद हाइड्रोजन एंड गिव्स मी अमोनिया. तो बस जब रिएक्शन होता है उसमें रिएक्टेंट यूज होते हैं और प्रोडक्ट फॉर्म होता है. तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन यूज होकर अमोनिया बनने वाला, राइट. तो क्लास अगर आप नाइट्रोजन के कुछ मॉलिक्यूल्स लोगे, हाइड्रोजन के कुछ मॉलिक्यूल्स लोगे, तो जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स में रिएक्शन होगा तो कुछ मॉलिक्यूल नाइट्रोजन के हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेंगे और अमोनिया बनेगा. तो इस प्रोसेस में नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल कम होते जाएंगे, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल कम होते जाएंगे. क्यों? बिकॉज वो दोनों रिएक्ट करके क्या बन रहा है, अमोनिया. तो हमें क्या करना है, यहाँ पे देखना है कि नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन क्या हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है, और अमोनिया क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहा है. तो नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन इज कंज्यूम एंड अमोनिया इज फॉर्म. तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन विल गो ऑन डिक्रीजिंग, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन गोज ऑन डिक्रीजिंग and concentration of ammonia goes on increasing. Nitrogen ka concentration kam hoga, hydrogen ka concentration kam hoga aur ammonia ka concentration badhega. So class hum log likhte hain rate of consumption. So class kuch log hum log kabhi kabhi consumption likhenge, कभी कभी डिसअपीयरेंस लिखेंगे, कभी कभी डिक्रीज लिखेंगे. हमें इसका सबका मतलब क्या है, कम हो रहा है. तो रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ नाइट्रोजन, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ नाइट्रोजन देखते हैं. रेट ऑफ मतलब कितने स्पीड से नाइट्रोजन इस रिएक्शन में कंज्यूम हो रहा है. तो रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ नाइट्रोजन, तो क्लास रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ नाइट्रोजन होगा, क्लास हमने अभी देखा था इफ यू रिमेम्बर. चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम. अगर आप बात करते हैं एवरेज की, तो डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा मतलब लार्ज चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ओवर लार्ज टाइम इंटरवल. और बात करते हैं इंस्टेंस रेट की, तो डीसी अपॉन डीटी, वेरी स्मॉल चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन फॉर वेरी स्मॉल चेंज इन टाइम. प्लस इसको डेरिवेटिव में हम लोग कैसे पढ़ते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो वेरी स्मॉल चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन फॉर वेरी स्मॉल चेंज इन टाइम, दैट इज इंस्टेंस रेट. एंड लार्ज चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ओवर लार्ज ओवर इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड एज द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन. ठीक है, तो क्लास यहाँ पे नाइट्रोजन क्या हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है. तो रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ नाइट्रोजन क्या होगा, अगर हम लोग एवरेज लेते हैं तो माइनस डेल्टा, वाई माइनस साइन, कंज्यूम हो रहा है, ब्रैकेट, व्हाट ब्रैकेट इंडिकेट्स कॉन्सेंट्रेशन और एक्टिव मास ऑफ नाइट्रोजन अपॉन डेल्टा टी. तो what is changing concentration of nitrogen in given time interval is the rate of consumption of nitrogen. So, is reaction nitrogen consume ho raha hai, wo kam ho raha hai. The rate of consumption of nitrogen is minus delta N2 upon delta T. Plus, agar ye aapko instantaneous rate mein likhna, aapko jo acha lagta hai likho, average chalega, instantaneous lagega. To agar mujhe instantaneous mein likhna hota to main likhta tha rate of change of concentration of nitrogen with respect to time. Plus, yahan pe delta D mein ek difference hai. This is large time, large change in concentration over a large interval. This is very small change in concentration over a very small interval of time. So delta, यहाँ पे delta, यहाँ पे d d है. तो दोनों भी एक ही है. आपको ये और ये, आपको जो पसंद है ले लो. Okay. Plus rate of consumption of nitrogen होगा, right? अभी इस reaction में hydrogen भी क्या हो रहा है, consume हो रहा है, because वो भी reactant है, reactant consume होता है. तो rate of consumption of हाइड्रोजन, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा,
थोड़ा इट विल बी चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन विद रिस्पेक्ट टू टाइम. थोड़ा माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है कि हाइड्रोजन कंज्यूम हो रहा है. तो जैसे रिएक्शन प्रोग्रेस करता जाएगा रेट ऑफ कंजम्पशन हाइड्रोजन क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा. बराबर है. आपको अगर इस फॉर्म में लिखना है तो इंस्टेंस में लिखना है तो माइनस डी एच टू अपॉन डी टी प्लस अमोनिया जो पहले नहीं था अभी फॉर्म होना शुरू हो गया. हमारे पास पहले अमोनिया था ही नहीं, अभी अमोनिया फॉर्म होना शुरू हो गया. तो हम लोग लिखेंगे रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया. रेट ऑफ फॉर्मेशन बोलो, रेट ऑफ अपीयरेंस बोलो, जो नहीं था वो अभी बन रहा है. रेट ऑफ फॉर्मेशन अमोनिया, तो क्लास यहाँ पे माइनस साइन नहीं आएगा बिकॉज वो बन रहा है तो उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है. तो इट विल बी प्लस डेल्टा, प्लस एन लिखते नहीं हम लोग, मैं अभी लिखा है आगे नहीं लिखूंगा, डेल एन एच थ्री अपॉन डेल्टा टी. तो इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम. प्लस अगर इंस्टेंटेनियस लिखना है आपको, इंस्टेंटेनियस लिखना है तो डी एन एच थ्री वेरी स्मॉल चेंज इन कॉन्सेंट अमोनिया और वेरी स्मॉल चेंज इन टाइम. यहाँ पे प्लस साइन नहीं लिखा तो भी चलेगा बिकॉज अंडरस्टूड यहाँ पे कुछ साइन नहीं, तो यहाँ पे प्लस साइन है. तो क्लास दिस इज रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ नाइट्रोजन, रेट ऑफ कंजम्पशन हाइड्रोजन, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ अमोनिया. देख सकते हो आप, तो रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ नाइट्रोजन, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ अमोनिया हमने देख लिया. ठीक है, एक मिनट. ओके, कम बैक. तो क्लास नाइट्रोजन कंज्यूम हो रहा है, हाइड्रोजन कंज्यूम हो रहा है और अमोनिया फॉर्म हो रहा है. तो क्लास आप देख सकते हो अगर रिएक्शन नाइट्रोजन का 1 मोल कंज्यूम होगा तो उसी समय हाइड्रोजन का 3 मोल कंज्यूम होगा और अमोनिया का 2 मोल फॉर्म होगा. तो आप देख सकते हो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन सेम रेट से कंज्यूम नहीं हो रहा है और अमोनिया भी सेम रेट से फॉर्म नहीं हो रहा. देख सकते हो, वेरी सिंपल. अगर आप बोलोगे, अगर समझो रिएक्शन में एक रिएक्शन शुरू हो गया और जब नाइट्रोजन का 1 मोल कंज्यूम हो चुका रहेगा तो उसी समय हाइड्रोजन के 3 मोल कंज्यूम हो चुके रहेंगे. 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन रिक्वायर 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन. अब देखोगे उसी समय में अमोनिया के 2 मोल बन चुके रहेंगे. तो नाइट्रोजन का कंज्यूम होने का रेट, हाइड्रोजन का कंज्यूम होने का रेट और अमोनिया का फॉर्म होने का रेट सेम नहीं है. तो क्लास हमें प्रॉब्लम क्या होगा फिर, अगर आप लोग नाइट्रोजन के हिसाब से बात करेंगे, हाइड्रोजन के हिसाब से बात करेंगे, अमोनिया के हिसाब से बात करेंगे, तो हम लोग बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे. तो हमें एक रिएक्शन के लिए एक ही रेट चाहिए. तो अभी हम बात करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन. तो मैं वापस बोलता हूँ, मैं समझो मैं आपको बोला था नाइट्रोजन का कंज्यूम होने का रेट हाइड्रोजन से 3 गुना, हाइड्रोजन का रेट नाइट्रोजन से 3 गुना ज्यादा है और अमोनिया का फॉर्म होने का रेट 2 टाइम्स है, मतलब 1:3:2 रेशियो इनका, कंजम्पशन एंड फॉर्मेशन का. लेट मी एक्सप्लेन इन सिंपल वे. प्लस चलो मैं यहाँ पे लिखता हूँ नाइट्रोजन रिएक्ट विथ हाइड्रोजन एंड गिव्स यू अमोनिया. तो क्लास समझो एक समय चला गया, समझो एट पर्टिकुलर मोमेंट नाइट्रोजन का कंज्यूम होने का रेट है 0.1 mole per liter per second से फॉर एग्जाम्पल. तो हाइड्रोजन का रेट उसके 3 गुना ज्यादा है, तो हाइड्रोजन का रेट है 0.3 mole per liter per second. अब देख सकते हो अगर 1 मोल नाइट्रोजन कंज्यूम होता है तो 3 मोल हाइड्रोजन कंज्यूम होता है. अब प्लस अमोनिया का फॉर्मेशन का रेट कितना होगा, अगर ये 1 है ये 0.3 तो ये समझो, समझो नहीं, कितना होगा 0.2 mole per liter per second. तो आप देख सकते हो सेम रेट से ना नाइट्रोजन कंज्यूम हो रहा है ना हाइड्रोजन कंज्यूम हो रहा है. तो अगर नाइट्रोजन कंज्यूम हो रहा है 0.1 mole per liter per second तो हाइड्रोजन कंज्यूम हो रहा है 0.3 mole per liter per second और अमोनिया फॉर्म हो रहा है 0.2 mole per liter per second. तो क्लास हमें प्रॉब्लम क्या है, हमें एक अगर मुझे रिएक्शन को एक्सप्रेस करना है तो मुझे हर बार नाइट्रोजन हाइड्रोजन अमोनिया तीनों के अलग अलग कंपेयर करना पड़ेगा. तो वो अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अगर मैं ऐसा करता हूँ, मैं इसको
डिवाइड करता हूँ किससे, थ्री से, तो 0.3/3। तो मैं डिवाइड कर रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, तो हाइड्रोजन का कंजम्पशन का रेट 0.3 है, मैं उसको 3 से डिवाइड कर रहा हूँ, मुझे आंसर इसका कितना आएगा 0.1। बस ये 0.2 है, मैं इसको 0.2, इसको मैं अगर 2 से डिवाइड करता हूँ तो मुझे यहाँ पे आंसर आएगा 0.1। अगला से 0.1 है, इसको मैं अगर 0.1 से डिवाइड, अगर मैं इसको 1 से डिवाइड करता हूँ, 0.1 को अगर 1 से डिवाइड करता हूँ, आंसर मुझे आएगा 0.1। एक्सप्लेन दिस। ओके, तो क्लास क्या हो रहा है कि हाइड्रोजन 3 गुना फास्ट रिएक्ट कर रहा है नाइट्रोजन से, तो मैंने इसको 3 से डिवाइड किया। अमोनिया 2 गुना फास्ट रिएक्ट कर रहा है, 2 गुना फास्ट फॉर्म हो रहा है नाइट्रोजन से, तो उसको मैंने 2 से डिवाइड किया। तो ये 0.1, 0.1 एंड 0.1, मुझे तीनों आंसर सेम आए। तो क्लास तीनों आंसर सेम कैसा है, तो देखो रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ नाइट्रोजन को मैंने 1 से डिवाइड किया, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ हाइड्रोजन को मैंने 3 से डिवाइड किया, एंड रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया को मैंने 2 से डिवाइड किया। तो क्लास अब ये तीनों आंसर सेम है, तो क्लास तीनों आंसर सेम कब है, जब मैंने रेट ऑफ कंजम्पशन हाइड्रोजन को 3 से डिवाइड करूंगा तो मुझे ये और ये वैल्यू सेम मिलेगा। रेट ऑफ फॉर्मेशन अमोनिया को अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो मुझे ये और ये और ये वैल्यू सेम मिलेगा। तो क्लास हम दिखा रहे हैं कि तीनों रेट अलग अलग है। क्लास मतलब क्या, 3 से डिवाइड करिए, मतलब यहाँ पे 3 से डिवाइड किया मतलब क्या, 3 से डिवाइड करने के बाद ये दोनों रेट सेम हो जाते हैं, मतलब ये हाइड्रोजन का कंजम्पशन रेट इससे 3 गुना ज्यादा है। क्लास मैंने 2 से डिवाइड किया, तो 2 से डिवाइड करने के बाद अमोनिया का फॉर्मेशन का रेट और नाइट्रोजन का कंजम्पशन रेट सेम होता है, मतलब क्या, अमोनिया का फॉर्मेशन का रेट नाइट्रोजन के कंजम्पशन रेट से 2 गुना ज्यादा है, तो मैंने 2 से डिवाइड किया, तो जब दोनों वैल्यू सेम हो जाता है। तो क्लास मैं 3 से डिवाइड करूंगा, 2 से डिवाइड करूंगा और यहाँ पे 1 से डिवाइड करूंगा, तो तीनों मुझे आंसर मिलेगा 0.1, 0.1, 0.1। पर क्लास याद रखो, हम लोग यहाँ पे दिखाएंगे कि हम लोग डिवाइड करने के बाद वो 3 वैल्यू सेम आए। तो अभी बस बहुत कंफ्यूज हो गया, मैं इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ। तो क्लास अगर मुझे लिखना है रेट ऑफ रिएक्शन, क्या लिखना है मुझे, रेट ऑफ रिएक्शन, तो इरिस्पेक्टिव व्हाट आई चूज, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और अमोनिया, मुझे सेम आंसर चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, अगर मैं नाइट्रोजन की वैल्यू लिख रहा हूं तो माइनस डेल्टा N2 अपॉन डेल्टा टी, इसका कोएफिशिएंट कितना नाइट्रोजन का, 1 है, तो मैं इसको 1 से डिवाइड करूंगा, इक्वल टू, ओके, हाइड्रोजन का कंजम्पशन है DH2 माइनस डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा टी। पर क्लास ये दोनों वैल्यू सेम है, बिल्कुल नहीं। इफ यू सी दिस वैल्यू, इफ यू सी रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ नाइट्रोजन, दिस इज 0.1, एंड इफ आई सी रेट ऑफ कंजम्पशन हाइड्रोजन, इट इज 0.3, तो दोनों वैल्यू सेम नहीं है। ये वैल्यू 0.1 है और ये वैल्यू 0.3 है। तो क्लास में क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं 3 से डिवाइड कर रहा हूँ, अगर मैं 3 से डिवाइड करता हूँ तो ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो क्लास अभी ये दोनों वैल्यू क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, राइट, कितना हो जाएंगे, 0.1। तो क्लास मैं आपको दिखा रहा हूँ कि दोनों वैल्यू सेम नहीं है, दोनों वैल्यू सेम कब होते हैं, 3 से डिवाइड करने के बाद। तो इफ आई डिवाइड रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ हाइड्रोजन बाय 3, देन रेट ऑफ कंजम्पशन हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय 3 वैल्यू रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ नाइट्रोजन इतना हो गया, ठीक है। प्लस सिमिलरली रेट ऑफ फॉर्मेशन अमोनिया DNH3 अपॉन DT, क्लास ये वैल्यू 0.2 है, और 0.2 है, उसको अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूँ, 2 से डिवाइड करने के बाद आंसर कितना आएगा, 0.1। तो क्लास रेट ऑफ फॉर्मेशन अमोनिया 0.2 ही है, पर 2 से डिवाइड करने के बाद, 2 से डिवाइड करने के बाद ये और ये वैल्यू सेम हो जाता है, मतलब क्या, ये वैल्यू इससे 2 गुना ज्यादा है। नहीं समझा तो कुछ और करते हैं, नो प्रॉब्लम्स। तो क्लास मुझे क्या बताना है आपको, सुनिए, तो
तो इफ आई राइट रेट ऑफ रिएक्शन, प्लस ये क्या था, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ नाइट्रोजन, ये क्या था, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ हाइड्रोजन, और ये क्या है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया. रेट ऑफ कंजम्पशन नाइट्रोजन, रेट ऑफ कंजम्पशन हाइड्रोजन, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, कंजम्पशन, कंजम्पशन, फॉर्मेशन. अब मुझे रेट ऑफ कंजम्पशन और रेट ऑफ फॉर्मेशन में इंटरेस्ट नहीं, मुझे इंटरेस्ट है रेट ऑफ रिएक्शन. मतलब इफ आई राइट रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू नाइट्रोजन, इफ आई राइट रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू नाइट्रोजन, मैं लिखूंगा माइनस डेल्टा एन टू अपॉन डेल्टा टी. इफ आई राइट रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन, तो मुझे रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन, तो क्लास मैं लिखूंगा उसका कोएफिशिएंट क्या, हाइड्रोजन का 3 है, मैं लिखूंगा 1/3 माइनस डेल्टा एच टू अपॉन डेल्टा डी. तो क्लास रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ नाइट्रोजन से रेट ऑफ कंजम्पशन हाइड्रोजन ज्यादा है, कितना ज्यादा, 3 गुना ज्यादा है. तो जब अगर ये हाइड्रोजन का कंजम्पशन 3 गुना फास्ट है, तो ये दोनों वैल्यू सेम आने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे 3 से डिवाइड करना पड़ेगा. 3 से डिवाइड करने के बाद दोनों वैल्यू सेम है, तो ये 3 से डिवाइड किया, मुझे हमेशा याद दिलाएगा कि आपने 3 से डिवाइड किया तब ये दोनों से वैल्यू सेम आया, मतलब ये कंजम्पशन का रेट इससे 3 times फास्ट है. ठीक है, सिमिलरली व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ नाइट्रोजन, सॉरी अमोनिया, अमोनिया का कोएफिशिएंट 2 है, प्लस, तो प्लस साइन आएगा बिकॉज प्रोडक्ट है, तो डी NH3 अपॉन डेल्टा टी. और क्लास अगर मैं उसको 2 से डिवाइड करूंगा तब जाके ये वैल्यू और वैल्यू सेम हो जाएगा. क्लास देखो सिंपल है, ये वैल्यू कितना है, 0.1 है, ये वैल्यू कितना है, 0.3 है. तो क्लास रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ हाइड्रोजन, रेट ऑफ कंजम्पशन नाइट्रोजन से 3 गुना फास्ट है. तो क्लास ये टर्म और ये टर्म सेम तब हुआ अगर मैंने इसको 3 से डिवाइड किया, तो 3 से डिवाइड करने के बाद दोनों टर्म इक्वल हो गए, राइट. तो ये 3 डिवाइड किया गया, 3 मुझे हमेशा याद दिलाएगा कि हाइड्रोजन का कंजम्पशन का रेट नाइट्रोजन के कंजम्पशन रेट से 3 गुना ज्यादा है. ठीक है, और क्लास यहाँ पे इसका फॉर्मेशन का रेट कितना था, 0.2 था, तो मैंने इसको 2 से डिवाइड किया है, तब जाके मुझे आंसर कितना है, 0.1 आया. तो मुझे हमेशा ये 2 याद दिलाएगा, डिवाइडेड बाय 2 याद दिलाएगा कि ये दोनों वैल्यू, ये दोनों वैल्यू, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया एंड रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ नाइट्रोजन में, अगर मैं ये रेट, रेट ऑफ फॉर्मेशन अमोनिया रेट ऑफ कंजम्पशन नाइट्रोजन से 2 गुना ज्यादा फास्ट है, तो 2 से डिवाइड किया मैंने. तो क्लास नाउ इफ आई टेक दिस एंटायर थिंग, इट इज 0.1, इफ आई टेक दिस एंटायर थिंग दिस इज 0.1, इफ आई टेक दिस एंटायर थिंग दिस इज 0.1. तो क्लास दिस इज हाउ वी राइट द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन. क्लास नहीं समझा रहेगा तो मैं वापस एक बार अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ, थोड़ा कंफ्यूजन है नो डाउट, इसके लिए थोड़ा टाइम लगता है, एक बार वापस थोड़ा सा कोशिश करता हूँ मैं. चलो आपके पास नाइट्रोजन है, आपके पास हाइड्रोजन है, आपके पास अमोनिया है. तो नाइट्रोजन रिएक्ट विथ हाइड्रोजन एंड गिव द अमोनिया. प्लस रिएक्शन में नाइट्रोजन रिएक्टेंट है, कंज्यूम होगा, प्लस समझो उसका कंजम्पशन का रेट है. प्लस व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन इज चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन, देखा हमने थोड़े टाइम पहले. प्लस यूनिट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन इज मोल पर लीटर, और टाइम का यूनिट होता है मिनट हो सकता है, सेकेंड हो सकता है. समझो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने सेकेंड लिया, तो मोल पर लीटर पर सेकेंड हो गया आपका रेट ऑफ रिएक्शन, मोल पर लीटर पर सेकेंड. प्लस समझो नाइट्रोजन जो कंज्यूम हो रहा है उसका कंजम्पशन का रेट, तो रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ नाइट्रोजन है से फॉर एग्जाम्पल 0.1 मोल पर लीटर पर सेकेंड, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ नाइट्रोजन. मतलब आप देख सकते हो जब 1 मोल नाइट्रोजन कंज्यूम होगा तो उसी समय पे 3 मोल हाइड्रोजन कंज्यूम होगा, तो 3 मोल हाइड्रोजन कंज्यूम होगा तो रेट ऑफ कंजम्पशन हाइड्रोजन विल बी, जब अगर नाइट्रोजन 0.1 है तो हाइड्रोजन 0.3 होगा, तो 0.3 मोल पर लीटर पर सेकेंड.
क्लास अमोनिया बनेगा, जब नाइट्रोजन 1 मोल कंज्यूम होगा तो अमोनिया 2 मोल फॉर्म होगा, तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया विल बी, अगर ये 0.1 है तो ये 0.2 होगा मोल पर लीटर पर सेकेंड. ओके एक्सप्लेन दिस, मोल पर लीटर पर सेकेंड डन. क्लास नाइट्रोजन कंज्यूम हो रहा है तो रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ नाइट्रोजन, रेट ऑफ नाइट्रोजन कैसे लिख सकते हम लोग, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन विद रिस्पेक्ट टू टाइम. क्लास माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है, जैसे टाइम बढ़ेगा नाइट्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन कम होता जाएगा, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन हमेशा कम होता है, इसलिए हम लोग रेट में यहाँ पे माइनस साइन डालते हैं. तो माइनस इंडिकेट्स द कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम. ओके क्लास कितना वैल्यू है, 0.1 है बराबर. प्लस यहाँ पे हाइड्रोजन भी कंज्यूम हो रहा है, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ हाइड्रोजन, तो व्हाट इज रेट ऑफ कंजम्पशन हाइड्रोजन, तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन अपॉन चेंज इन टाइम. एंड क्लास अपन हाइड्रोजन कंज्यूम हो रहा है तो यहाँ पे माइनस एन इंडिकेट कर रहा है, रिएक्टेंट कंज्यूम हो रहा है, क्लास वैल्यू कितना है, 0.3 है. ठीक है, तो क्लास रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया प्रोडक्ट है तो फॉर्म हो रहा है, तो पहले वो नहीं था अभी बनना शुरू हो गया, तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब प्लस साइन आएगा, हम लोग दिखाएंगे नहीं, अंडरस्टूड है, अगर अमोनिया प्रोडक्ट है वो फॉर्म हो रहा है तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जाएगा विद रिस्पेक्ट टाइम. बस कितना ही है, 0.2 है. प्लस 0.2 क्यों है, बिकॉज देखो 1:3:2 है, जब 1 मोल नाइट्रोजन कंज्यूम होगा 3 मोल हाइड्रोजन कंज्यूम होगा 2 मोल अमोनिया फॉर्म होगा, तो अगर ये 0.1 मोल है, 0.1 मोल पर लीटर पर सेकंड है, तो ये 0.3 टाइम्स होगा और ये इसका 2 टाइम्स होगा. प्लस ठीक है, मतलब एक काम करते हैं हम, इसको और इसको कंपेयर करते हैं, इसको और इसको, तो रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ नाइट्रोजन लिख सकता हूँ बराबर ये है राइट, रेट ऑफ कंजम्पशन नाइट्रोजन माइनस डेल्टा एन टू अपॉन डेल्टा टी कितना है, 0.1 है. एंड रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ हाइड्रोजन माइनस डेल्टा एच टू अपॉन डेल्टा टी वो 0.3 है. प्लस दोनों इक्वल साइन डालने के नहीं डाल सकते हम लोग, बिकॉज ये 0.1 या 0.3 है, तो अगर मुझे यहाँ पे इक्वल टू साइन डालना है तो मुझे यहाँ पे मल्टीप्लाई करने का पड़ना पड़ेगा 1/3 से. तो अगर मैं यहाँ पे 1/3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो डेफिनेटली 1.3 / 3 आपको आंसर 0.1 आएगा, तो प्लस दिस टर्म एंड दिस टर्म इक्वल हो जाएगा. तो भाई दोनों टर्म इक्वल कब होंगे, अगर मैं 3 से डिवाइड करता हूँ राइट. आई होप यू अंडरस्टैंड. प्लस दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ नाइट्रोजन एंड फॉर्मेशन अमोनिया के एग्जाम्पल लेते हैं, तो कंजम्पशन ऑफ नाइट्रोजन इज माइनस डी एन टू अपॉन, या फिर डेल्टा लिया था आपने, माइनस डेल्टा एन टू अपॉन डेल्टा टी, दैट वॉज रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ नाइट्रोजन, कितना था वो, 0.1 था. एंड रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया सिंबल है डेल्टा NH3 अपॉन डेल्टा टी, और क्लास ए वैल्यू 0.2 है. तो मैं बीच में इक्वल टू साइन डाल सकता हूँ मैं, नहीं, बिकॉज ये 0.1 है 0.2 है. अगर दोनों को इक्वल करना है तो मुझे यहाँ पे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा राइट. अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो डेफिनेटली 0.2 / 2 अब ये दोनों टर्म इक्वल हो जाएंगे. तो क्लास मुझे जब रेट ऑफ रिएक्शन एक्सप्रेस करना है तो मैं नाइट्रोजन या फिर हाइड्रोजन या फिर अमोनिया, तीनों से कोई भी एक लो, मुझे रेट ऑफ रिएक्शन सेम आना चाहिए. तो क्लास अगर मैं नाइट्रोजन चूज करता हूँ तो इट विल बी माइनस डेल्टा एन टू अपॉन डेल्टा टी, वैल्यू कितना आएगा, माइनस डेल्टा एन टू अपॉन डेल्टा टी 0.1 रेट ऑफ रिएक्शन. क्लास अगर मैं हाइड्रोजन चूज करता हूँ तो मैं लूंगा माइनस 1/3 डेल्टा एच टू अपॉन डेल्टा टी, तो क्लास देख सकते हो कितना आएगा वैल्यू, 0.1 आएगा. अगर मैं अमोनिया चूज करता हूँ
तो 1/2 डेल्टा NH3 अपॉन डेल्टा टी, मुझे आंसर आएगा 0.1। तो इरिस्पेक्टिव आई चूज नाइट्रोजन हाइड्रोजन अमोनिया, मुझे रेट ऑफ रिएक्शन मिल रहा है 0.1 0.1 0.1। प्लस याद रखो तीनों वैल्यू सेम नहीं है, इसको 3 से डिवाइड करने के बाद और इसको 2 से डिवाइड करने के बाद तीनों वैल्यू सेम हो गया। तो ये 3 डिवाइडेड बाय 3 और डिवाइडेड टू, हमेशा याद रहेगा कि रेट ऑफ रिएक्शन हर एक रिएक्शन का अलग अलग होता है। तो ये जो 3 वैल्यू आपको आए हैं वो कब आए, कोएफिशिएंट को डिवाइड करके, तो 3 को 1/3 लेकर और यहाँ पे 1/2 लेके। ठीक है, मैं सोचता हूँ आपको ये थोड़ा बहुत समझा रहेगा, नहीं समझा तो आगे जाके हम लोग समझ लेंगे, डोंट वरी, मैं कोशिश करता रहूंगा आपको समझाने की बहुत केयर क्लियरली। तो क्लास समझा, हमारे पास एक रिएक्शन है, कोई भी जनरल रिएक्शन, ए मोल्स ऑफ ए रिएक्ट विद बी मोल्स ऑफ बी टू गिव सी मोल्स ऑफ सी एंड डी मोल्स ऑफ डी। तो क्लास आपको ये पहला पार्ट नहीं समझा रहेगा, डोंट वरी, यहाँ पे ध्यान देना आपको जो जितना आपको रिक्वायर्ड है बोर्ड एग्जाम के लिए। ओके, तो ए मोल्स ऑफ ए रिएक्ट विद बी मोल्स ऑफ बी टू गिव सी मोल्स ऑफ सी एंड डी मोल्स ऑफ डी। फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू गिव अमोनिया। तो क्लास यहाँ पे स्मॉल ए 1 है, कैपिटल ए N2 है, स्मॉल बी 3 है, कैपिटल बी H2 है, स्मॉल सी 2 है, कैपिटल सी NH3 है, डी हमारे पास है नहीं, जरूरी नहीं हमारे पास दो ही प्रोडक्ट हो। तो स्मॉल ए रिएक्ट विद बी एंड गिव सी एंड डी। तो क्लास इस रिएक्शन में ए कैपिटल एंड कैपिटल बी रिएक्टेंट है, तो रिएक्टेंट कंज्यूम होता है, तो मैं लिखूंगा रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए, और आपको इंस्टेंटेशन लिखना है तो आप लिखेंगे माइनस डी ए अपॉन डी टी। क्लास याद रखो जब मैंने टॉक अबाउट रेट ऑफ कंजम्पशन, हम लोग यहाँ पे कोएफिशिएंट को कंसिडर नहीं करते, तो स्मॉल ए यहाँ पे पिक्चर में नहीं आएगा, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए में। ठीक है, सिमिलरली रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ बी होगा माइनस डी बी, डेल्टा भी ले सकते थे आप, मैंने डी लिया है चलेगा, यू कैन टेक एवरेज और इंस्टेंस रेट बोथ आर करेक्ट, माइनस डी बी अपॉन डी टी विद रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ बी। क्लास यहाँ पे सी फॉर्म हो रहा है तो मैं लिखूंगा रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी सो दैट विल बी सी प्रोडक्ट है तो कॉन्सेंट बढ़ेगा, तो चेंज इन कॉन्स्टेंट ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यहाँ पे प्लस साइन है, अंडरस्टूड है। एंड क्लास सिमिलरली रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी विल बी इक्वल टू चेंज इन कॉन्स्टेंट ऑफ डी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्लास ये हो गया रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ बी, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी। क्लास आपको चाहिए रेट ऑफ रिएक्शन, तो क्लास इरिस्पेक्टिव व्हाट आई चूज, इफ आई चूज ए, इफ आई चूज बी, इफ आई चूज सी और इफ आई चूज डी, मुझे रेट ऑफ रिएक्शन का वैल्यू सेम चाहिए। तो रेट ऑफ रिएक्शन, तो क्लास अगर मैं ए चूज करता हूँ रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करने के लिए, तो मेरा जो कोएफिशिएंट स्मॉल है तो होगा माइनस 1/a डी ए बाय डी टी। क्लास फिर रिमेंबर मैं 2 मिनट पहले बात किया था अमोनिया के केस में, तो यहाँ पे कितने से डिवाइड किया हम लोगों ने 1 से। अगर आप बी चूज करते हो तो इट विल बी माइनस 1/b डी बी बाई डी टी। अगर आप सी चूज करते हो तो इट विल बी 1/c डी सी बाय डी टी, प्लस ये स्मॉल सी है कोएफिशिएंट। अगर आप डी चूज करते हो इट विल बी 1/d डी डी बाय डी टी। तो क्लास चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टाइम को स्मॉल ए से डिवाइड करने के बाद, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टाइम को स्मॉल बी से डिवाइड करने के बाद, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टाइम को स्मॉल सी से डिवाइड करने के बाद, और चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी को स्मॉल डी से डिवाइड करने के बाद, जो भी आंसर आएंगे सब सेम ही आएंगे। एंड क्लास तो व्हाट डू यू आंसर यू गेट दैट विल बी कॉल्ड एज द रेट ऑफ रिएक्शन। तो क्लास अगर बहुत सिंपल तरीके से आपको समझना है तो याद रखो, अगर आप बात करें रेट ऑफ कंजम्पशन, मतलब ए कितना कंज्यूम हो रहा है या फिर बी कितना है, तो उसके लिए क्या लिखते हैं, रेट ऑफ कंजम्पशन लिख सकते हैं, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस लिख सकते हैं,
रेट ऑफ डिक्रीज ले सकते हैं, तो जो भी कम हो रहा है, जो कम हो रहा है, तो रेट ऑफ कंजम्पशन जब हम लोग किसी चीज का दिखाते हैं तो वहां पे ये कोएफिशिएंट्स पिक्चर में नहीं आते. तो रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए ये हो गया, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ बी हो गया, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी हो गया, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी हो गया. हाँ, बट मोमेंट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, तो रेट ऑफ रिएक्शन विल बी दिस फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय ए. अगर बी से करोगे तो दिस फैक्टर मल्टीप्लाई बाय 1 बाय बी. इसकी बात करेंगे तो ओके, सी की बात करोगे तो दिस फैक्टर 1 बाय सी, और डी की बात करोगे तो दिस फैक्टर डिवाइडेड बाय 1 बाय डी. तो जब हम लोग कोएफिशिएंट से डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है रेट ऑफ रिएक्शन. ओके क्लास, तो रेट ऑफ कंजम्पशन, रेट ऑफ फॉर्मेशन और रेट ऑफ रिएक्शन अलग अलग होता है. तो क्लास, ए डी अलग अलग रेट से कंज्यूम होते हो सकते हैं, सी एंड डी अलग अलग रेट से फॉर्म हो सकते हैं. अगर मुझे रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है विद रिस्पेक्ट टू ए बी सी और डी, तो सिंस दे आर रिएक्टिंग एंड फॉर्मिंग विद डिफरेंट रेट, तो हम लोग क्या करेंगे, उनके कोएफिशिएंट से डिवाइड करेंगे. तो कोएफिशिएंट डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा वो हमेशा सेम ही आएगा. तो जो आंसर आता है उसको बोलते हैं हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन. तो क्लास, हमने देखा था एग्जांपल अमोनिया का, तो नाइट्रोजन रिएक्ट विथ हाइड्रोजन एंड गिव्स यू अमोनिया. तो रेट ऑफ कंजम्पशन नाइट्रोजन 0.1 था, हाइड्रोजन का कंजम्पशन का रेट 0.3 था. समबडी प्लीज स्विच ऑफ योर टीवी, प्लीज, बहुत डिस्टर्बेंस आ रहा है, और माइक म्यूट करो. हाँ, तो ये 0.1 है नाइट्रोजन का कंजम्पशन का रेट, हाइड्रोजन का कंजम्पशन रेट 0.3 है, और अमोनिया का फॉर्मेशन रेट 0.2 है. तो ये अलग है, ये अलग है, अलग है. पकड़ा, मुझे रेट ऑफ रिएक्शन चाहिए तो आई विल डिवाइड 0.1 डिवाइडेड बाय 1. मुझे रेट ऑफ रिएक्शन चाहिए तो आई विल टेक 0.3 डिवाइडेड बाय 3. तो मुझे इसका रेट चाहिए तो 0.2 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 2. तो क्लास, में तीनों भी आंसर मुझे आएगा 0.1 आएंगे. तो क्लास, ये 0.1 इंडिकेट क्या कर रहा है, तो 0.1 आंसर आ रहा है वो एन टू के लिए 1 से डिवाइड करने के बाद आ रहा है, एच टू के लिए 3 से डिवाइड करने का आ रहा है, और एन एच थ्री को 2 से डिवाइड करने का आ रहा है. मतलब क्या, 3 से डिवाइड करने का मतलब ये रेट कंजम्पशन का 3 टाइम्स फास्टर है, और ये फॉर्मेशन का रेट 2 टाइम्स फास्टर है. ठीक है, तो बस यही चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में विद हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल. ये बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा. हाँ बोलिए ओम पांडे, आप कुछ बोल रहे थे. तो यही चीज हम लोग सर, रेट ऑफ कंजम्पशन में 1 बाय ए लिखना है? नहीं, रेट ऑफ कंजम्पशन में जो लिखते हैं तो उसमें कोएफिशिएंट नहीं आता. ओके, मैं वापस बोलता हूँ. मैं समझो, हमारे पास रिएक्शन है, ए मोल्स ऑफ ए रिएक्ट विद बी मोल्स ऑफ बी टू गिव सी मोल्स ऑफ सी एंड डी मोल्स ऑफ डी. अगर आपको कोई पूछता है व्हाट इज रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए, तो आपका आंसर होगा सिर्फ माइनस डी ए बाय डी डी. पर अगर आपको कोई पूछता है क्वेश्चन व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए, तो आपका आंसर आएगा माइनस 1 बाय ये ए है ना अपना, उसको डिवाइड करना, माइनस 1 बाय ए डी ए बाय डी टी. ठीक है, कोई पूछता है व्हाट इज रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ बी, तो आपका आंसर आएगा सिर्फ सिंपली माइनस डी बी बाय डी टी. पर कोई पूछता है व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू बी, तो आपका आंसर आएगा कोएफिशिएंट बी है तो माइनस 1 बाय बी db by dt. कोई पूछता आपको व्हाट इज रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ c, तो आपका आंसर आएगा सिंपली dc by dt. कोई पूछता व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू c, रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू c इज इक्वल टू, अगर ये हो गया आपका रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ c, तो रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू c विल बी 1 by c dc by dt. अभी किसने कुछ क्वेश्चन पूछा था, क्या पूछा था वापस एक बार प्लीज, या मुझे चैट बुक में जाना पड़ेगा देखने के लिए. ओम पांडे क्या क्वेश्चन पूछा था अभी आपने? यस सर, ये क्वेश्चन था कि रेट ऑफ कंजम्पशन में 1 बाय ए लिखना था. हां, समझा आपको आंसर? यस 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 सर. ओके, यस अ सेकंड, ना मेरा फ्रंट कैमरा ऑन हो गया, इसको क्या करेंगे. हां ऊपर, सॉरी, थैंक यू.
ओके क्लास, ये समझा आपको? तो कल आपके पास सबके पास वो पीडीएफ फाइल है टेक्स्ट बुक का, तो कल वो फाइल रेडी रखना। कल हम लोग इसके ऊपर थोड़े न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल से ये चीजें बहुत क्लियर हो जाएंगी। थोड़ा ये कॉम्प्लिकेटेड मैंने बताया, कल मैं इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करूंगा और इसके हिसाब से हम लोग न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। ओके आज के लिए रुकते हैं, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। स्टूडेंट्स ये फर्स्ट लेक्चर था, अभी अपना सेकंड लेक्चर 11:15 से कनेक्ट होगा, तो आप लोग 15 मिनट्स का ब्रेक लेके आ जाओगे। और वापस बोल रहा हूँ बार बार, कुछ लोग जो कनेक्ट डिसकनेक्ट हो रहे हैं तो साउंड सिस्टम में प्रॉब्लम हो रहा है, थोड़ा अलर्ट रहो, वहाँ पे प्रॉब्लम ना हो जैसे सुमित धामने का कई बार हुआ। एंड लिंक वापस सेंड, नया लिंक आएगा आपको आपके आपके आप ग्रुप में, उसके अकॉर्डिंगली वापस आप ज्वाइन करोगे अगले लेक्चर के लिए। सो तब तक 15 मिनट्स का टाइम है, जो भी ब्रेक लेना है ले लो फटाफट से, जाओ। थैंक यू वेरी मच। और कुछ लोग को मैं इसमें नाम ले रहा हूँ, सौरभ रजक, साहिल गांगुड़े, प्रनील घाड़ी, कौशल शर्मा, ये बीच बीच में इनका अनम्यूट हो जा रहा था। हाँ ये लो जरा प्लीज ध्यान दो, वहाँ पे हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, ऐसा मिस्टेक दोबारा नहीं होनी चाहिए। और थोड़ा अलर्ट रहो, टीवी का आवाज बहुत आ रहा है किसी के घर के, मतलब थोड़ा हाँ, तो ये सब चीजें गड़बड़ हो रही है, तो हम लोग उस चीज को देख रहे हैं, फिर निकाल देंगे ग्रुप से, फिर प्रॉब्लम होगा। एक को किसी को निकाला गया, वो बार बार मुझे मैसेज कर रहा है कि ऐड करो, बट ऐसा नहीं होगा, एक दो बार प्रॉब्लम होगा तो फिर टेंशन आएगी। थोड़ा अलर्ट रहो जैसे कल बोला गया था, एंड फटाफट 15 मिनट्स का ब्रेक लो और नेक्स्ट लिंक आने पे आप क्लिक करके वापस आ जाओ। थैंक यू। दूसरी चीज ये स्टूडेंट्स, अभी भी कुछ लोगों का जो प्रोफाइल नेम है वो बराबर नहीं है, गैलेक्सी आ रहा है, 123 आ रहा है, तो प्लीज उसको करो, नेक्स्ट लेक्चर में अलाउ नहीं करूंगा, मैं रिमूव कर दूंगा उसको, परमिशन नहीं दूंगा मैं लेक्चर के लिए, तो ध्यान रखो। धीरज साहू कुछ बोल रहा है क्या? धीरज साहू, धीरज अनम्यूट कर बोल। हाँ सर, वो जीनियस के टेस्ला का जो हमारा ग्रुप है, हाँ उसमें लिंक सेंड में अभी प्रॉब्लम हुआ है, कुछ टेक्निकल इशू हुआ था, हाँ उसमें कुछ इशू हुआ था, इसलिए इंडिविजुअली भेजा गया, वापस हम लोग अभी नया लिंक सेंड कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली होगा। एमएस से सर, हाँ बोल जल्दी सर, आप कुछ बच्चे ना अपना वीडियो ऑन रखते हैं, उससे उनका डेटा बहुत कंज्यूम होता है, फिर उनको सबसे समझेगा, उनको वीडियो ऑन करके रखे हैं। हाँ सर, ये अच्छा है इन्फॉर्मेशन, जो स्टूडेंट्स देखो सर ने बहुत अच्छे पॉइंट यूज किए, अगर आप लोग वीडियोस ऑन करोगे तो आपके डेटा काफी यूज हो जाएंगे, फिर आप कंटिन्यू 3-4 घंटे नहीं बैठ पाओगे। क्वालिटी भी खराब हो जाता है वीडियो का, इसलिए तो उनको वीडियो का उनका फेस देखने का मुझे जरूरत नहीं है बिल्कुल, बैठा करो कि जिससे बेटर रहेगा सब, आप सुन भी पाओगे और आपको टीचर को देखना है, टीचर को आपको देखना जरूरी नहीं है, डेटा थोड़ा कम यूज होगा, आप सेव कर पाओगे, फिर दूसरा टाइम पास भी तो करना है ना, सब यही खर्च करोगे तो कैसे चलेगा। ठीक है, 10 मिनट रह गए स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच, न्यू लिंक आएगा, न्यू लिंक से आप ज्वाइन करोगे, थैंक यू, बाय। कमलेश सर ये बंद करो। ओके।